दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको रेडीमेड गारमेंट से संबंधित एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर के आया हूं। आप लोगों का कहना है कि हमारी दुकान एक साल से है, डेढ़ साल से है, मगर फिर भी हमारी दुकान अच्छी नहीं चल रही है। क्या कारण है, क्या कारण हो सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। इसमें मैं आपको वास्तु टिप्स भी बताने वाला हूं। हो सकता है कि आपका वास्तु ख़राब हो दुकान का, क्योंकि जब दुकान का वास्तु ख़राब होता है तो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगती है। बात कर लेता हूं आज के समय कि आपका रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस बहुत डाउन है, मार्केट भी बहुत डाउन है, मगर फिर भी आप लोग तेजस व्लॉग के जो ग्रुप मैंने बनाया था उससे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा सुझाव, अच्छी जो समस्या लोगों को फेस करनी पड़ रही है उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस यदि आपका डाउन है और सब कुछ होते हुए भी नहीं चल रहा तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपकी दुकान के अंदर जो वैरायटी है वो कंप्लीट नहीं है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी दुकान के अंदर जो वैरायटी हैं वो क्या सभी कंप्लीट हैं। यदि आप खुद कस्टमर बनकर के आए, क्या आप अपने आप को आपकी दुकान के माल के अनुसार सेटिस्फाई कर पाएंगे? पहला तो आपको ये देखना है अपनी दुकान के अंदर। दूसरी बात आपको देखना है कि आप कस्टमर को किस तरह से हैंडल करते हैं, आप कस्टमर के लिए कितना प्राइस रखते हैं, आप कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाते हैं तो आपका व्यवहार किस तरीके से होता है। तो आपका व्यवहार बिल्कुल शांत स्वभाव का होना चाहिए और मुस्कुराते होना चाहिए। दूसरी बात प्राइस की, प्राइस आपका इस समय मैं आपको बताता हूँ, एक जोड़े के ऊपर 100 रुपये से 150 रुपये, इससे ज़्यादा मार्जिन बिल्कुल मत लेना। हो सके तो 70 से 100 रुपये तक भी यदि जाता है, जिसका अपना है, जिसका रेंट पे नहीं है वो कर सकता है। यदि जिसका रेंट पे भी है 100 से 150 भी मार्जिन लेके एक जोड़े पे देगा तो तब भी आपका काम चल जाएगा, आपका किराया भी निकलेगा, सारा काम आपका उस पर हो जाएगा। तीसरी बात मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें आपको अपनी दुकान की जो सेटअप है वो भी आपको ध्यान में रखना है। आपकी लुकिंग भी डिपेंड करती है कि कस्टमर को खींचने का, क्योंकि आजकल कस्टमर जो है अच्छी दुकान पे जिसकी लुकिंग अच्छी है उसके पास आते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आगे के हिस्से को देखिए, जो आपका गेट होता है उस गेट के ऊपर जो आप मोढ़ी बोलते हैं जिसे, और उस पर आप कपड़े हैंगिंग करते हैं, तो क्या वे कपड़े साफ़ सुथरे या नए डिज़ाइन के टांग रहे हैं, या रोज़ाना आप एक ही तरह के कपड़े टांग रहे हैं, वे गंदे हैं या डिज़ाइन जो अब लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहा है उस तरह के हैं, किस तरह के हैं, ये आप देखिए। वहाँ पर आगे आपको जितना भी अच्छा माल हो उतना अच्छा माल आपको हैंगिंग करके रखना चाहिए, जिससे कि कस्टमर वो माल देख करके आए, वो समझ जाता है कि जिस तरह से आपका माल लटक रहा है दुकान के अंदर उतना ही माल आपकी दुकान के अंदर होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो दुकान के बाहर हैंगिंग है वो पुराने ही माल रखते हैं, कभी गंदा हो जाए, तो रोज़ाना चेंज करते रहिए उन्हें भी, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये ऑप्शन आप खासतौर पर ध्यान रखिएगा। प्राइस का भी चल जाता है एक बार, और दूसरी बात लुकिंग का आज के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लुकिंग बेहतर होनी चाहिए। तीसरी और एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, सब कुछ कंप्लीट होने के बावजूद भी आप कहते हैं कि सर हमारे पास कस्टमर ही नहीं आता, हमारे पास तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि माल सारा है, लुकिंग अच्छी है, मगर कस्टमर फिर भी हमारे पास आने से कतराता है, आता है तो सेल नहीं हो पाती, तो क्या कारण है, हावी हमारे ऊपर कस्टमर होता है तो क्या कारण है? तो उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कारण है आपकी दुकान का वास्तु। आप कहाँ पर बैठे हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा थोड़ा सा ज्ञान है मैं आपको बता देता हूँ वास्तु के बारे में। दुकान आपकी किसी भी मुहाना की हो, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड, किसी भी साइड में आपकी दुकान हो, किसी भी साइड को आप मुंह करके बैठे हुए हो, बस आपको अपनी सीटिंग का हिसाब देखना है और आपको ये देखना है कि आपकी सीटिंग सही जगह है या नहीं है। सीटिंग कहां पर होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आपकी सीटिंग हमेशा साउथ और वेस्ट कॉर्नर में होनी चाहिए, जिसे नृत्य कोण बोलते हैं। साउथ और वेस्ट की दीवार देख लीजिए कि वेस्ट की दीवार कौन सी है और साउथ की दीवार कौन सी है, उसका कॉर्नर कौन सा है, उस साइड का हिस्सा आपको भारी रखना है, साउथ दिशा का हिस्सा भारी रखना है, और साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको अपनी सीट लगानी है, और उसी के सामने जो वायव्य कोण है यानी नॉर्थ साइड है, नॉर्थ और वेस्ट, उस साइड में आपको बैठने की सीटिंग रखनी चाहिए कस्टमर के लिए। और एक खास बात और ध्यान रखना, जहाँ पर आपका ईस्ट है, ईस्ट और नॉर्थ है, उसके पास आप पीने का पानी रखें और फिर आप देखें कितनी अच्छी दुकान आपकी चलती है। दोस्तों यदि आप कहोगे कि इस वास्तु को मैं पूरी डिटेल से समझाऊं, बना करके समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। अगली वीडियो में मैं केवल वास्तु के हिसाब से ही आपको बताऊंगा कि किधर को आपका मुँह है, क्योंकि वास्तु के ऊपर एक बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। इस वजह से मैं आपको सिर्फ एक मोटी सी बात बता रहा हूँ कि साउथ वेस्ट
के साउथ वेस्ट यानी कि वेस्ट और साउथ के बीच का हिस्सा होता है साउथ वेस्ट, वहाँ पर आपकी चेयर होनी चाहिए। और पूरब साइड में ईस्ट में, ईस्ट और नॉर्थ पर आपका पीने का पानी होना चाहिए। और साउथ की दीवार और साउथ वेस्ट की दीवार आपकी ऊंची होनी चाहिए, यानी कि माल ज़्यादा लगा होना चाहिए, भारी माल लगा होना चाहिए। और ख़ास तौर पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मोड़ी पर भार काले रंग का और नीले रंग का कोई भी कपड़ा ना टांगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस कारण से भी आपकी दुकान हो सकता है कि डाउन हो रही हो। आप ये थोड़ा सा चेंज करके देखिएगा और फिर आप देखिएगा कि कितना अच्छा आपकी दुकान के ऊपर रेस्पॉन्स आता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।